दोस्तों किसी देश की करेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो किसी देश की करेंसी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है तो किसी देश की करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, ऐसा क्यों होता है? तो किसी देश की करेंसी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है ट्रेड बैलेंस, यानी व्यापार पर नियंत्रण। व्यापार पर नियंत्रण होगा तभी उस देश की करेंसी सुरक्षित रहेगी और करेंसी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ना ही घटेगी। दूसरा तरीका है इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी मतलब होता है प्रोडक्ट्स प्लस कंज्यूमर, यानी हर एक कंज्यूमर के हिसाब से कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। और तीसरा है कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ मतलब नेचुरल तरीके से जो तैयार की हुई वस्तुएं होते हैं, जैसे कोयला, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हो गई, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, यानी ये सारी चीज़ें कमोडिटीज़ में आते हैं। यानी इन तीनों चीज़ों पे अगर अच्छी तरह से अगर बैलेंस है तो देश की करेंसी काफ़ी मजबूत होगी। अगर इन तीनों चीज़ों पे अगर बैलेंस नहीं है तो देश की करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी।